गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएसटी रिटर्न की वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे जीएसटी रिटर्न की जो वीडियो सीरीज है उसका आज थर्ड पार्ट है। पार्ट वन और पार्ट टू मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी मैंने डाल दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी की जो मंथली रिटर्न है उसका जो मेन फॉर्म है उसमें क्या क्या टेबल्स हैं और उसमें क्या क्या चीज हम लोगों को फाइल करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको जीएसटी का जो मेन रिटर्न फॉर्म है वो अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है आपके लिए फॉर्म जीएसटीआर मंथली रिटर्न। ये जो नया रिटर्न फॉर्मेट अप्रूव हुआ है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, उस रिटर्न का ये फॉर्मेट है, ड्राफ्ट फॉर्मेट है। तो इसमें जो टेबल्स हैं उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद है टैक्स पीरियड। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि सारे रिटर्न फॉर्मेट्स में दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, जीएसटी नंबर, लीगल नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रेड नेम, एआरएन, डेट ऑफ एआरएन वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो है टेबल थ्री, समरी ऑफ सप्लाईज मेड एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो मेन रिटर्न का जो फॉर्मेट है उसमें मंथली रिटर्न के अंदर दो मेन टेबल्स हैं, आउटवर्ड सप्लाई की टेबल्स एंड इनवर्ड सप्लाईज की टेबल्स। और इन दोनों टेबल्स के लिए दो सेपरेट अनेक्सर बनाए गए हैं। पार्ट वन जो है वो अनेक्सर जो हमारी रिटर्न सीरीज की जो वीडियो का पार्ट वन है उस पर मैंने डिस्कस किया है, डिटेल्ड डिस्कशन हुई है उसके अंदर कि अनेक्सर टू मेन रिटर्न फॉर आउटवर्ड सप्लाईज में कौन कौन से टेबल्स में क्या क्या डेटा डालना है। और पार्ट टू में जो हम लोग है वो किया है कि अनेक्सर ऑफ परचेजेस और इनवर्ड सप्लाईज टू मेन रिटर्न। तो जो दो टेबल्स हैं, जो दो अनेक्सर्स हैं वो डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मेन जो फॉर्म है वो। तो ये जो टेबल थ्री है ये आएगा आपका अनेक्सर टू आउटवर्ड सप्लाईज से डेटा इसमें पुल किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या चीज इसमें दिया गया है। तो सीरियल नंबर है, उसके बाद है टाइप ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, किस प्रकार की आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, उसमें वैल्यू क्या है और टैक्स अमाउंट क्या है। तो इसमें जो है ये जो मेन फॉर्म है इसमें कोई फील्ड, कुछ फील्ड तो ऑटो पॉपुलेट होंगी थ्रू अनेक्सर्स और कुछ फील्ड यूजर इनपुट के लिए दिए गए हैं जो कि यूजर को हर टैक्स पीरियड में मैनुअली फीड करना होगा। तो टेबल थ्री का कॉलम वन कहता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसमें हम लोगों को अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालनी है। इसका सबसे पहला पॉइंट है टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन बी टू सी टेबल थ्री ए। दिस टेबल थ्री ए मीन्स अनेक्सर का टेबल थ्री ए जो है उसकी फिगर यहां पर। ऑटो का मतलब हो गया आपको अनेक्सर फिल करना है, उस अनेक्सर से डेटा ऑटोमेटिकली यहां पर पुल होकर के आपकी मंथली रिटर्न में शो करेगा। तो आप टेबल थ्री में जैसे ही भरेंगे कि मैंने बी टू सी सेल कितना किया है तो वो आपको मेन रिटर्न फॉर्म में शो करेगा। तो टेबल थ्री क्या है अनेक्सर का, वो आप रेफर कर सकते हैं मेरी पार्ट वन वाली वीडियो को, जहां पर कि आपको हर टेबल की डिटेल्स में मैंने जानकारी दी हुई है। टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन टेबल थ्री ए, ऑटो पॉपुलेट होगा, टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको अनेक्सर से पुल कर लिया जाएगा। के बाद है टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ये टेबल थ्री ऑफ अनेक्सर टू आउटवर्ड सप्लाईज से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और उसमें टैक्स अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सीरियल नंबर थ्री में है एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स टेबल थ्री सी ऑफ अनेक्सर, जो टेबल थ्री सी है अनेक्सर का उससे ये अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो कॉलम है इसको डिसेबल किया हुआ है और ये लॉजिक इसके पीछे ये है कि एक्सपोर्ट्स का जो अमाउंट है वो हमेशा और हमेशा आईजीएसटी के अंदर होगा, इसीलिए इन दोनों एक्ट को डिसेबल किया हुआ है। एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये अमाउंट आएगा आपका टेबल 3D ऑफ अनेक्सर, जो टेबल 3D है अनेक्सर का उससे ये वाला अमाउंट ऑटो पॉपुलेट कर लिया जाएगा। सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट्स डेवलपर्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आएगा टेबल 3E अनेक्सर के, टेबल 3E से इस फिगर को पुल किया जाएगा और यहां पर जो है ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जाएगा एज एप्लीकेबल टैक्स अमाउंट वगैरह।
सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट्स डेवलपर्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप किसी एसईजेड यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हैं तो ये टेबल 3F ऑफ द अनेक्सर जो फिगर्स हमने भरी है उससे ये वाला अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहां पर शो करेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट्स का जो अमाउंट होगा वो आपको टेबल 3G में भरना है अनेक्सर के। आप जैसे ही टेबल 3G भरेंगे अनेक्सर का, उसका फिगर यहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास शो करेगा। ये हो गया कॉलम नंबर 1, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। वैसे इनवर्ड सप्लाईज जिसपे की रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी को हम लोगों को डिस्चार्ज करना है, तो ये भी अनेक्सर का पार्ट है। अनेक्सर में टेबल 3H दिया हुआ है, उस टेबल 3H में आप डेटा भरेंगे तो वो आपका फिगर यहाँ पे आएगा। इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ये टेबल 3H का फिगर है, उस टेबल 3H से आपको यहाँ पर फिगर जो है पुल आउट करवा लेना है। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर से तो उसको टेबल 3I ऑफ द अनेक्सर में आप भरेंगे तो उसकी फिगर आपको यहां पर शो करेगा। डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एडवांसेस रिसीव्ड एडजस्टेड अदर एडजस्टमेंट्स। अगर आप कोई क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किए हैं, आपको कोई एडवांस मिला है, आपने किसी एडवांस के अगेंस्ट कोई इनवॉइस इशू किया है या किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट्स है तो वो आपको इस टेबल में भरना है। डेबिट नोट्स इशूड अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, क्रेडिट नोट इशूड अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ये सारा फील्ड जो है ये ऑटो पॉपुलेट होगा। डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा बेस्ड ऑन योर अनेक्सर्स। उसके बाद जो एडवांसेस रिसीव्ड है नेट ऑफ रिफंड वाउचर्स, अगर आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है और उस पे अगर आपको टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो वो आपको यूजर इनपुट का कॉलम यहाँ पे दिया गया है, वो आपको अनेक्सर में टेबल नहीं मिलेगा। वो चीज आपको यहाँ पर जो है मैनुअली फीड करना होगा कि आपने किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में कितना एडवांसेस रिसीव किया है और उस पे क्या लायबिलिटी आपकी बनती है। तो वो यूजर इनपुट का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर मैनुअली फीड करना होगा, ये अनेक्सर से नहीं आएगा। एडवांसेस एडजस्टेड, पिछले टैक्स पीरियड में एडवांस रिसीव किया था और इस टैक्स पीरियड में या करंट टैक्स पीरियड में आपने उसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू किया है तो कितना एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस इशू हो चुका है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर यूजर इनपुट वाले कॉलम में आपको मैन्युअली फीड करनी होगी। और ये यहाँ पर जो है टैक्स अमाउंट का कॉलम दिया गया है। एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन लेवी टू नॉर्मल लेवी एंड एनी अदर लाइबिलिटी। अब ऐसी कोई लाइबिलिटी, ये कॉलम पहले रिटर्न के अंदर नहीं दिया गया था, अब ये रिटर्न में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि आप पहले कॉम्पोजिशन टैक्स में थे, आपने उसके बाद नॉर्मल सिलेक्ट कर लिया तो आपकी जो लाइबिलिटी बनती है, जो लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट्स करनी है उसका भी ये कॉलम इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। और ये जो है डेटा यूजर इनपुट होगा क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक करने का कोई लॉजिक है नहीं, तो यहाँ पर आपको यूजर मैनुअली आपको यहाँ पे फीड करना होगा कि आपको कितना लाइबिलिटी आपकी बनती है ड्यू टू शिफ्टिंग और ड्यू टू एनी अदर एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी। के बाद यहां पर आ जाएगा आपका सब टोटल 1 -2 +3 -4 +-5। ये जो कॉलम्स हैं ये ऑटोमेटिकली यहां पर आपका जो है टोटल यहां पर कर देंगे। उसके बाद आता है कॉलम नंबर डी जिसमें कि डिटेल्स ऑफ सप्लाईज हैविंग नो लायबिलिटी। ऊपर जो टेबल हमने डिस्कस करी है उसमें कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी इफेक्ट करती है वो हो गया। कॉलम डी में जो है ऐसे सप्लाईज है जिसमें कि हमारी लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें जो है एग्जेम्प्ट या नील रिलेटेड सप्लाईज वो आपको यहां पे भरनी है यूजर इनपुट में कि कितने आपने टैक्स फ्री सेल करा है, कितना आपने नॉन जीएसटी सप्लाईज करा है उसका कॉलम यहां पर दिया गया है यूजर इनपुट में। उसके बाद नो सप्लाई, ये एक नया ऐड कर दिया गया है कि शेड्यूल 3 सेक्शन 7 का जो शेड्यूल 3 है जिसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया था तो उसकी डिटेल्स अभी तक कहीं नहीं देनी पड़ती थी, अब रिटर्न के अंदर उसकी डिटेल्स भी ये लोग मांग रहे हैं। आउटवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, वैसे आउटवर्ड सप्लाईज जिसमें कि हम लोगों को रिवर्स चार्ज पे करना है, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टर, अगर कोई ट्रांसपोर्टर अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता है तो वो कहाँ भरेगा, तो वो उसको इस कॉलम में भरना है कि आउटवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये डिटेल्स ऑफ सप्लाईज हैविंग नो लायबिलिटी के अंदर क्यों कॉलम में दिया गया, तो आप ये चीज समझिए कि मैं अगर ट्रांसपोर्टर हूं, मैंने कोई इनवॉइस इशू किया तो उस इनवॉइस पे मेरे को तो टैक्स पे करना नहीं है, पे करना है जो रेसिपिएंट है उसको, तो हमारे लिए जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए तो कोई लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए इस कॉलम को यहां पर फीड किया गया। उसके बाद आपकी निकल के आ जाएगी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है आइदर थ्रू कैश और थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हो गया टेबल ए, ये हो गया पहला टेबल जिसका अनेक्सर है अनेक्सर टू सप्लाईज। उसके बाद है समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट।
अब ये जो है ये है अनेक्जर टू परचेजेस फॉर मेन रिटर्न, मतलब ये दूसरा जो वीडियो है हमारा पार्ट टू, उसमें मैंने इसके अनेक्जर्स की डिटेल वीडियो बनाई है, डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उस अनेक्जर से, अनेक्जर ऑफ परचेजेस से आपका ये डेटा यहां पर फीड होगा। तो सबसे पहले है डिटेल्स ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बेस्ड ऑन ऑटो पॉपुलेशन। यहां पर जो है ये आपको जो भी अब फील्ड्स दिखाई जाएंगे इसमें जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा वो सारी फील्ड्स यहां पर शो करेंगे। सबसे पहला है इनवर्ड सप्लाईज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस टैक्स पीरियड्स ऑन विच आईटीसी वाज केप्ट पेंडिंग। मतलब इसका कहने का मतलब है यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर ऑटो भी किया हुआ है और यूजर एंट्री फॉर फर्स्ट मंथ। तो यूजर एंट्री फॉर फर्स्ट मंथ का मतलब क्या होता है? ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ सप्लाईज इन द प्रीवियस मंथ टू बी सेल्फ रिपोर्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ सीरियल नंबर B5 ऑफ लास्ट मंथ। इसका मैं एक बार आपको मीनिंग बता देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करते हैं कि सितंबर 18 का कोई आपका परचेज है जो कि छूट गया और अक्टूबर 18 से ये सारा कुछ लागू हो गया, नया नियम। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि अक्टूबर 18 से ये सारा नियम लागू हो गया। अगर आपने कोई परचेज किया हुआ है सितंबर 18 में बट आपने उस इनवॉइस का क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि आपके पास वो इनवॉइस अभी तक आया ही नहीं, तो आप क्रेडिट लेंगे कैसे? माल डिस्पैच हो गया, क्रेडिट आपको नहीं मिला सितंबर महीने में, तो उस इनवॉइस को, सितंबर मंथ के इनवॉइस को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के हेड के लिए की पेंडिंग करेंगे। आपको उस इनवॉइस को पेंडिंग रखना होगा, रोल ओवर करना होगा अक्टूबर महीने में। तो अब चूंकि नया रिटर्न सिस्टम जब भी लागू होगा तो वो किसी न किसी एक महीने से लागू किया जाएगा, तो उसके पिछले महीने में जो आपका पेंडिंग इनवॉइसेस है उसको फर्स्ट मंथ के लिए आपको यूजर एंट्री का ऑप्शन दिया जाएगा, और उसके बाद जो है जब ये रिटर्न फॉर्मेट लागू कर दिया जाएगा तो उसके अगले महीने मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड मंथ जब आएगा तो ये जो है सीरियल नंबर B5 से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बार देखते हैं सीरियल नंबर B5 वो किस चीज की बात करता है। सीरियल नंबर B5 बात करता है सप्लाईज नॉट रिसीव्ड टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न और केप्ट पेंडिंग फॉर एनी अदर रीजन। तो सीरियल नंबर B5 जो है उसमें इस टेबल की जानकारी ली गई है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में कितने इनवॉइसेस का क्रेडिट को पेंडिंग रख रहे हैं। तो आप जैसे ही सीरियल नंबर B5 भरेंगे तो आपकी अगले महीने की रिटर्न में कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर B5 से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑटो एंड यूजर एंट्री फॉर फर्स्ट मंथ का मतलब क्या होता है। उसके बाद है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। आपको ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाईज रिसीव हुई है जिसपे की रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी नहीं बनती है जैसा कि होता है नॉर्मल परचेज में। टेबल 3A ऑफ अनेक्जर ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, ये जो है टेबल 3A से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ये टेबल 3H ऑफ अनेक्जर्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जो है वहां से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, वैसी इनवर्ड सप्लाईज जिसमें कि आपको रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टेबल 3I से इंपोर्ट हो जाएंगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स टेबल 3J से इंपोर्ट हो जाएंगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स टेबल 3K से इंपोर्ट होंगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स, यहां पर इन्होंने यूजर इनपुट दिया हुआ है क्योंकि SEZ यूनिट से अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसका कॉलम नेक्जर के अंदर नहीं दिया हुआ है, और अगर वो दिया हुआ भी है तो आप उस वीडियो में जब देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि वहां पर जो है ऑटो पॉपुलेशन का कोई फंडा नहीं दिया है। सप्लाईज नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर्स, अगर आपका कोई सप्लायर है जो कि आपको इनवॉइस इशू किया बट वो पर्टिकुलर इनवॉइस अपलोड करना छूट गया उससे, तो उस इनवॉइस को आप यहां पर वाले कॉलम में डाल सकते हैं, मैन्युअली फीड कर सकते हैं। ISD क्रेडिट नेट ऑफ डेबिट ऑफ क्रेडिट नोट्स टेबल 4 ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अनेक्जर ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, जो अनेक्जर्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज है उसमें ISD का जो कॉलम है उस कॉलम से, उस टेबल 4 से आप यहां पर ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं। डेबिट नोट्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स, अगर सप्लायर किसी डेबिट नोट को इशू करता है तो वो आपको एनेक्जर जो है उसके टेबल 3A में फिल करना है और उस टेबल 3A से ऑटोमेटिकली यहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहां पर उसका टोटल निकल जाएगा कि कितनी टोटल आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है बेस्ड ऑन ऑटो कैलकुलेशन। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ रिवर्सल रिजेक्शन पेंडेंसी एंड एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट। अब उसके बाद अगर आपको कोई क्रेडिट का रिवर्सल करना है, कोई क्रेडिट की रिजेक्शन करनी है, कोई इनवॉइसेस की पेंडेंसी देखनी है, कोई अदर एडजस्टमेंट्स ऑफ क्रेडिट है, तो आपको कॉलम नंबर B की हेल्प लेनी होगी। तो इसमें कुछ फील्ड्स तो ऑटो हैं, कुछ फील्ड्स ऑटो एडिटेबल हैं, कुछ फील्ड्स यूजर इनपुट के भी हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इनवर्ड सप्लाईज रिजेक्टेड बाय रेसिपिएंट,
आपने कोई सप्लाईज अपलोड करा या आपके सप्लायर ने किसी एक इनवॉइस को अपलोड करा, बट आपको पता लगता है कि आपका तो वो इनवॉइस है ही नहीं, आपने तो वो माल परचेज ही नहीं किया, तो आप उस पर्टिकुलर इनवॉइस को रिजेक्ट करेंगे। तो ये डेटा जो है ये तो ऑटो पॉपुलेट होगा, बट ये एडिटेबल होगा आपके एक्शन के लिए, आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इनवॉइस को। सप्लाईज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट, अगर ऐसा कोई सप्लाईज है जो कि आपने परचेज किया है बट वो एलिजिबल नहीं है क्रेडिट के लिए, जो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है, या किसी भी अदर कारणों से वो भी आपके लिए एलिजिबल नहीं है आप उस क्रेडिट के लिए, तो आप उसको यहां पर जो है यूजर इनपुट के द्वारा उसको आप डिसअलाउ करवा सकते हैं। के बाद है क्रेडिट नोट्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, टेबल 3A ऑफ अनेक्जर। अगर आपको कोई क्रेडिट नोट मिलता है किसी भी सप्लायर से तो उसका आप टेबल 3A जैसे ही भरेंगे अनेक्जर में, तो उसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा और वो आप एडिट भी कर पाएंगे अगर उसमें कुछ गलती रहती है तो। उसके बाद है सप्लाईज अपलोडेड बाय सप्लायर्स ऑन विच क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड इन द प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जिसमें कि आपने ऑलरेडी एक बार इनवॉइस ले रखा है और दोबारा से उसकी फील्ड उसकी एंट्री दोबारा से आ चुकी है आपके रिटर्न के अंदर, तो आप उसको मैनुअली यूजर इनपुट के कॉलम में मैनुअली फीड करके उतने क्रेडिट को आप रिवर्स कर सकते हैं या बैक कर सकते हैं। सप्लाई इज नॉट रिसीव्ड टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न और केप्ट पेंडिंग फॉर एनी अदर रीजन, इसका मैंने आपको बता दिया है इसका क्या मतलब है, ये कॉलम नंबर 1 से लिंक किया हुआ है। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल 37, 39, 42 एंड 43, ये जो रूल 42, 43 का जो रिवर्सल है एज पर रूल 42 एंड 43, वो आपको यहाँ पर यूजर इनपुट के कॉलम का मतलब है कि मैनुअली आपको यहाँ पर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करके रिवर्स करना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अर्लियर इफ एनी, अगर आपने पिछले महीने में या पिछले टैक्स पीरियड में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है तो उसका डिटेल्स जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। अदर ITC इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन टू नॉर्मल, तो जैसा कि आपको लाइबिलिटी के फील्ड में दिया गया था कि अगर कोई अदर लाइबिलिटी बनती है, अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाते हैं तो जो लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट्स है उसके लिए आपको फील्ड दिया गया था, सिमिलर फील्ड आपको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल में भी दिया गया है कि अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आते हैं तो जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है जिस स्टॉक पे आपको क्रेडिट लेना है उसकी एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पर यूजर इनपुट के कॉलम में मैन्युअली फीड करके क्लेम कर सकते हैं रिटर्न के अंदर। उसके बाद है नेट इफेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट, अगर आपने कोई इनवॉइस अपलोड कर दिया और वो इनवॉइस लॉक कर दिया गया है तो उसके क्रेडिट का जो एडजस्टमेंट्स है वो आप टेबल सी के द्वारा यूज कर सकते हैं नेट इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, ये ऑटो पॉपुलेट होगा अमेंडेड रिटर्न से और ये जो है फील्ड ये एडिटेबल होगा, आप उसको एडिट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो फिगर्स सही है। उसके बाद निकल के आ जाएगा आपका नेट ITC अवेलेबल, जो नेट ITC अवेलेबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस एडजस्टमेंट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सब कुछ करने के बाद जो नेट ITC बनेगा वो आपका इस फील्ड में शो होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस ओनली नॉट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब यहाँ पर कैपिटल गुड्स के लिए सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए आपको अलग से यहाँ पर कॉलम दिया गया है कि जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऊपर क्लेम किया है उसमें से कितना कैपिटल गुड्स को पर्टेन करता है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर सिर्फ दिखानी है सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए। उसके बाद है अमाउंट ऑफ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, अगर आपने कोई वैसा काम किया है जिस पर TDS या TCS कटा हुआ है तो उसका जो क्रेडिट है वो आपको टेबल नंबर 5 में शो होगा। TDS के हेड में IGST सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, TCS के हेड में IGST सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स के हेड में शो होगा। इंटरेस्ट एंड फी लाइबिलिटी डिटेल्स, अब चूंकि ये मेन रिटर्न है तो इसमें इंटरेस्ट एंड फी लाइबिलिटी की डिटेल्स की भी कॉलम यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है इंटरेस्ट एंड लेट फी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, तो नया रिटर्न फॉर्मेट जो आया है उसमें एक चीज इन्होंने ये बोला है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को अमेंड करते हैं या किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को चेंज करते हैं तो आपकी लेट फी जो है अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज कर दी जाएगी जितने पीरियड से आप उसको लेट इनवॉइस को अपलोड करेंगे। तो वही चीज उन्होंने लिखा है कि इंक्लूडिंग लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, मतलब अगर आप इनवॉइसेस की अपलोडिंग में डिले करेंगे तो भी आपको इंटरेस्ट और लेट फी पे करनी होगी टू बी कंप्यूटेड बाय सिस्टम, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट एंड लेट फी। इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है जिसका कि क्रेडिट आपको नहीं लेना था और उसका आपने रिवर्सल नहीं किया है तो जितने पीरियड के लिए आपने उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज किया उसमें आपको जो है इंटरेस्ट पे करना होगा और वो सिस्टम कैलकुलेट नहीं करेगा, वो आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करना होगा टू बी कैलकुलेटेड बाय टैक्स पेयर।
इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लेट रिपोर्टिंग ऑफ रिवर्स चार्ज सप्लाईज, अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज सप्लाईज की लाइबिलिटी है आपके पास और आपने उसको टाइमली पे नहीं किया तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करना है और अपने आप ही कैलकुलेट करके टू बी कैलकुलेटेड बाय टैक्स पेयर आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। अदर इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, अगर इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक करना है। उसके बाद है यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके बाद जो ये पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉलम है इसमें आपकी क्या लाइबिलिटी बनती है, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी, अदर देन रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी, टैक्स ऑलरेडी पेड, एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, पेड थ्रू आईटीसी एंड पेड इन कैश। आपको इस लाइबिलिटी को जो है इन सारे कॉलम से एडजस्ट करवाना है, जब तक ये सारी लाइबिलिटीज जीरो नहीं होंगी आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है रिफंड क्लेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर। अगर आपके कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा था और आपने रिफंड क्लेम किया है फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड तो उस रिफंड का डिटेल्स आपको इस कॉलम में भरना है। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो कि जीएसटी की जो मेन रिटर्न है मंथली रिटर्न उसके अंदर है और ये सारे फील्ड्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा मंथली रिटर्न से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करें ताकि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर बनाने के लिए एक सेपरेट वीडियो में कोशिश करूं या फिर उस कमेंट में ही रिप्लाई करके आपके साथ आपकी क्वेरीज का डिस्कशन हो सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, ताकि लोग भी इस चीज के, इस न्यू रिटर्न के बारे में अवेयर हो सके और अपनी रिटर्न जो है आसानी से फाइल करवा सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।